अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह की करम और फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। वेलकम टू अनदर व्लॉग। यहाँ पर हम ना घर में ना नान बनाने की कोशिश करें। एक्चुअली मैं या मेरी नान, हम लोग इतने सुगर नहीं है, ये मेरी जेठानी के गाँव में वो ये नान बनाने की कोशिश करी थी, जिसमें उन्होंने मैदा, नमक, जितना मैदा लिया था ना हाफ के जी, तो उतना ही उन्होंने उसमें ना फाइन आटा डाला था, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है हम मैदा इतना डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो हमने फुल मैदा नहीं लिया था। इसमें थोड़ी दूसरी सी बात ये, आज फिर इन्होंने ये मिस्टेक कर दिया कि मेरी यूट्यूब की फैमिली को सबसे पहले इन्होंने सलाम नहीं अस्सलाम किया। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेट लतीफ़ है हम थोड़े से, ठीक है। ये सारी चीज़ें नमक डाल के और दो तीन ऑयल की स्पून वगैरह डाल के उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से गूंदा था, बहुत ज़ोर लगा के, सही ज़्यादा वाला ज़ोर लगा के, अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली बात ये है कि फिर हुआ क्या था क्या हुआ कि नान हम, लगाते हुए। अच्छा नान लगाने का तो छोड़े, मैं आपको बड़े मजे की बात बताती हूँ। मैं अब वो आटा गूंदी, सारी इंग्रेडिएंट मिक्स करी, तो मैं कैमरा लेके खड़ी रही खड़ी रही खड़ी रही, थोड़ी देर बाद देखा तो वीडियो का प्रेस ही नहीं किया हुआ था, तो वो चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई। इसलिए फिर हमने कहा चलो हम ओरली वर्बली आपको बता देंगे ना कि हमने क्या क्या चीज़ की थी। कोई नहीं, रोजे की हालत में आप समझ सकते थे, दिमाग नहीं काम। हाँ, इन्हें भूख आजकल बहुत लग रही है ना रोजे की हालत हाँ, में। लेकिन आज मैं बहुत फ्रेश हूँ, है ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत फ्रेश हूँ, अल्लाह तो फिर अल्लाह यूट्यूब की फैमिली, ये बात हुई कि जब नान लगाने की बारी आ गई फाइनल, तो डो बना के भाभी ने रख दी थी, पर जब नान बनाने की बारी आई फिर क्या हुआ। वो बाद में बताएंगे, पहले कढ़ाई की रेसिपी शेयर करते हैं लास्ट में। हाँ जी, ये कढ़ाई बन रही थी, इसमें आप ही ने क्या किया था, थोड़ा सा जो प्याज था उसको बिल्कुल लाइट सा ब्राउन किया था, ब्राउन भी नहीं किया था, बस हल्का सा फ्राई किया था। थोड़ा सा मैंने लहसुन वगैरह छीला हुआ था, तो वो लहसुन और प्याज उसके अंदर डाल के ना उसको अच्छी तरह से उन्होंने ना जूसर में ग्राइंड कर लिया था। अब मुझे खुद भी सही एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्या, हाँ थोड़ा सा दूध डाला था, हमारा लेफ्ट ओवर दूध पड़ा हुआ था, तो वो 2 कप दूध डाले थे और इसको ना अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। फिर आप ही ने उसी ऑयल में जिसमें प्याज वो फ्राई करी थी, चिकन को फ्राई करना शुरू कर दिया था। फिर उसको जैसे बर्तन धोते जाओ इसी तरह आप चिकन हिलाते जाओ हिलाते जाओ हिलाते जाओ, उसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाओ, ठीक है। फिर उन्होंने उसमें डाला था, क्या डाला था मैं तो पास थी नहीं। फिर उन्होंने ना इसको पहले अच्छी तरह से फ्राई किया था, तब ये बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया और जूसर में भी हमारा सारा मटेरियल अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया था ना, ये तो प्यारा सा हाथ था ना जूसर के ऊपर, ये मेरा था चा। हाँ, बस हाथ ही था जूसर के ऊपर। बनाने का कमाल भाभी बड़ी का था। फिर ये सारा मटेरियल उन्होंने कढ़ाई के अंदर ही डाल लिया था। फिर इसमें हसबे भाई का नमक डाला था, वो प्रोफेशनल है इसलिए उनको अपने हाथ से अंदाजा होता है, वो अपने हाथ से ही सारे मटेरियल डाल लेती हैं। फिर बिल्कुल हल्की हल्की सी हल्दी उन्होंने डाली थी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल वाइट वाइट नहीं अच्छा लगता हम लोग, मेरी अम्मा को भी नहीं पसंद। हाँ, तो इसलिए हमने थोड़ी सी ना हल्दी डाली थी और सिर्फ ब्लैक पेपर डाला था, कोई रेड पेपर या चिली फ्लेक्स वगैरह कुछ भी नहीं डाले थे, सिर्फ ब्लैक पेपर डाला था। फिर इसको दोबारा हिलाते जाओ और जितना जोर है लगाते जाओ करते जाओ वाला सीन हो गया था। फिर अब ये ऐसे पकता रहेगा, ठीक है, खुद ही नीचे आग लगती रहेगी और ये खुद ही पकता रहेगा। अब तो और फाइनली ये हुआ था कि पके तैयार हो गया था, और उसके बाद नान की बारी आ जाती है, जो कि मैं अब आपको बताती हूँ। यूट्यूब फैमिली, नान के साथ ये हुआ कि दो एक नान तो भाभी ने लगा लिए ना हमारे घर, तवे तंदूर पे। नहीं है। तंदूर नहीं है हमारे पास अवेलेबल बिल्कुल अभी फिलहाल। ये लोग सोच रहे हैं कि 3 मिनट का लगाओगे कौन सी एक्चुअली ना, रोटियों। मैं भी नूब हूँ, उसमीना भी खुद भी नूब है और उज्मा भी नूब है, हम में से किसी को तंदूर पे रोटी लगाने नहीं तो हमारे घर है ही नहीं। अम्मा को आती है, अब उनसे तो नहीं लगवा सकते ना, वो तो बढ़िया। तो फिर इस वजह से क्या हुआ ना कि हमने कोशिश की उज़्मा पीने का, मैं ऐसा करती हूँ कि अच्छा वैसे यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने ग्रीन चिलीज डाल के और क्रीम भी ना उस कढ़ाई के अंदर डाली थी, ठीक है। तो उन्होंने ये किया था कि हम ना तवे पे ऐसा करेंगे थोड़ा सा पानी या ऑयल लगा के तो उसमें उसको अच्छी तरह से सेक लेंगे, इस तरह से वो नीचे चिपकेगा भी नहीं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट इतना कामयाब नहीं हुआ था ना, तो फिर हमने नान नहीं कुछ और ही लुक बन गई थी, इसलिए फिर हमने फाइनली ये किया कि पेड़े बना के होटल में भिजवा दिए और हमारे प्यारे से नान बन के तैयार हो गए, और वो बहुत मजे का बना। तो बस इसी तरह ये हमारी रूटीन थी फैमिली वाइट कढ़ाई की। कढ़ाई थी कि क्या था, वाइट वाइट कढ़ाई थी, मेरे हस्बैंड हाँ। पूरी डाल रहे हैं तो बस इसी तरह हम अभी आज, जैसे कि आपको पता है तीसरा रमज़ान है, तो सबको अल्लाह ताला छोटी मोटी बातें करने की तौफीक अता करे, आमीन सुम्मा। मैं भी नेक हूँ, अच्छा मैं भी दुआएं दूंगी, अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आप सबको आमीन सुम्मा आमीन, और सेहत दे, और मुझे भी सेहत। देखिए ये कितनी प्यारी डिलीशियस लग रही है, सिर्फ देखने में नहीं लग रही है, खाने में यमी भी थी। बहुत मजे की थी, रोजे तक बहुत औखा सब्र किया था,
फिर कर ली थी, फिर अफ्तारी भी इसी से की, सहरी भी इसी से की। क्यों बोले अफ्तारी में पकौड़ों के आगे मुझे तो कोई और चीज़ नज़र नहीं आती, उस टाइम इसको थोड़ा स्किप कर दिया था। लेकिन कायदा भाभी को टोका जाता है, मामा तो सबसे पहले ये बात कहती है कि तुम पकौड़े ना खाओ, इतने ना खाओ ना खाओ, लेकिन ये धड़ाधड़ जितने सारे घर वाले खाते हैं ना वो ये सारे खाते हैं, और उस तरह मैं खुद अकेले में खाती हूँ तो वो बहुत गर्म होते हैं ना, तो अम्मी को मेरा ख्याल है ना, वो कहती है इतना गर्म नहीं खाया करो, अच्छा नहीं होता। तो मैं क्या करूँ, मेरा दिल रचता ही नहीं। ये साथ वाला के घर से आई थी प्लेट कीमा आलू, और ये हमारा दस्तरखान लगा था, ये हमारे दस्तरखान सज गया था, प्यारा प्यारा सा मीठा मीठा सा। बस यूट्यूब की फैमिली अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमारा ये हल्का फुल्का सा छोटा सा। साथ हमने थोड़े से चावल बनाए थे चिकन वाले, लेकिन ये हमने थोड़े से बनाए थे क्योंकि जो बड़े हैं ना मेरी अम्मी अब्बू ये लोग या मेरे हस्बैंड ये लोग बिल्कुल भी नहीं खाते, ये लोग रोटी ही खाते हैं, तो इसलिए चावल हमने सिर्फ अपने लिए और बच्चों के लिए बनाए थे ताकि ख़त्म हो जाए, नेक्स्ट डे के लिए ना बचे। तो बस अब दुआओं में याद रखिए हमने व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया है। सबसे पहले हम्पल से जो रिक्वेस्ट होती है यूट्यूब पे फैमिली के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर जाएं। अभी भी भाभी की नज़र पकौड़ों पर ही है, मैंने कहा अभी फिलहाल ख़त्म हो चुके हैं, आज तो हमारे घर बिल्कुल फिनिश हो चुके थे अफ्तारी के टाइम तक, उधर दस्तरखान पर ही, नहीं तो वैसे बच्चे भी पकौड़ा नहीं ख़त्म होता ना, हम किसी दूसरी चीज़ पर हाथ लगाते, मैं तो नहीं लगाती। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलना, और अच्छे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली जितनी भी हमारी न्यू वीडियो है वो आप तक पहुंच सके, और हमारे साथ बने रहिएगा ताकि हमारी भी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली हो जाए। ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हाँ, दुआ करें आप सबके लिए भी और हमारे लिए भी और अपने बाबा के लिए भी। हाँ, बच्चों की दुआएं वैसे भी ज़्यादा जल्दी कबूल होती है ना, तो हमने ये ड्यूटी इनकी लाजमी लगाई हुई, अफ्तारी से थोड़ी देर पहले हम अपना दस्तरखान लगा लेते हैं, फिर सारे बैठ के मिल के अच्छी अच्छी सी दुआ करते हैं सब एक दूसरे के लिए, क्योंकि अफ्तारी से पहले की जाने वाली जो दुआएँ होती है ना वो अल्लाह ताला ज़्यादा करीब से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड आई लव।